धर्मन तड़का में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शेफ हरपाल और इस सीजन में आपने देखा होगा कि हम बातें कर रहे थे और ड्यू रिस्पेक्ट दे रहे थे, बहन को दे रहे थे, भाई को दे रहे थे, मम्मी को दे रहे थे। और आज ये एपिसोड मेरे पिता और सभी के पिताओं के लिए मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। ओटमील चना दाल वड़े बना रहा हूँ और उसको पीनट चटनी के साथ परोसेंगे। सबसे पहले क्या करना है, ये जो चना दाल है इसे भिगो लेना है। पीसने के लिए ये लीजिए, हरी मिर्चें डाल लेते हैं, इसमें सौंफ डाल लेते हैं, पीस लेते हैं अभी। सुपर, दाल तैयार। हेलो जी, अब दाल को मजेदार बनाएंगे। इसमें डालेंगे मसाला ओट्स और मेरे पास सफोला के ये पेपी टोमेटो मसाला ओट्स है। और हेलो जी, आहा, एक पैकेट और इसके साथ साथ थोड़ी सी एनर्जी। हेलो जी, एनर्जी बिल्कुल थोड़ी सी। ओ जी, नमक शमक, नमक शमक डाल देते हैं। ये इसलिए थोड़ा सा ही नमक डाला क्योंकि ओट्स में नमक होता है, ज़्यादा डालेंगे तो परेशान हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हरा धनिया, ये लीजिए। अब मैं पहले मिला लेता हूँ उसे, उसके बाद कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। अब चॉप प्याज ताकि वड़े मॉइस्ट रहे, बढ़िया मज़ेदार। हेलो जी, तैयार। अब तेल को गरम करने रख देते हैं। पीनट चटनी के लिए तेल, थोड़ी सी मिर्चें, करी पत्ता, दो लाल मिर्चें, ये डालनी। और इसमें प्याज, थोड़ा सा प्याज भून लेते हैं। और प्याज भून लिए, टमाटर, दो टमाटर स्लाइस किए हुए वो डाल लें। और इसमें थोड़ी सी एनर्जी वो भी डाल लेते हैं। और एनर्जी के लिए, ओ जी, नमक शमक, नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक, ये लीजिए, क्या बात। टमाटर बिल्कुल गल जाने चाहिए। अब इसमें पीनट्स, ये लीजिए, इमली, ये लीजिए, इमली भी डल गई। आहा, बढ़िया मज़ेदार चटनी बनेगी जी। अब गैस बंद, मिक्सी का जार ले लेते हैं। घर पे आप इस चीज़ को ठंडा करेंगे, बिल्कुल यूं ही नहीं डालेंगे। और पीसेंगे इसको, क्या बात है। अब चटनी जो है लगभग लगभग तैयार और इसे मैं इस बोल में निकाल लेता हूँ। ये देखिए, क्या बात है। आहा, थोड़ा सा गर्मा गर्म तेल ले लेते हैं मज़ेदार चटनी को तड़का लगाने के लिए। मेरे पास दो चीज़ें हैं, राई, ये डाल लेता हूँ मैं राई। और जब राई गरम हो जाएगी उसके बाद ढेर सारा करी पत्ता, ये लीजिए, गैस बंद। एंड ये सारी चीज, आहा, ये जो तड़का लगा है ना, इसने इस पे चार चांद लगा दिए। नाउ थोड़ा सा मिक्स कर ले। अब तैयारियां हो चुकी है, पानी का बोल और ये मिश्रण वड़े का, ये ले लिया।
फ्लैट कर लें इस तरह से और छोड़ते जाइए। तेल काफ़ी गर्म है तो ध्यान में रखना है आपने कि फटाफट निकालते भी रहना है ताकि ब्राउन ना हो जाए। ठीक है जी, हाफ फ्राई होते हैं, निकाल लेते हैं। ये लीजिए, थोड़ी देर इंतज़ार करें ताकि तेल का जो टेम्परेचर है वो वापस बढ़ जाए और फिर वड़े फ्राई करेंगे क्रिस्प। तब तक परोसने के लिए मेरे पास ये बढ़िया डिश आ गई है चटनी के लिए। वाह क्या बात है, हिंदुस्तानी पीनट बटर, ये लीजिए क्या बात है। और अब वड़े जो हैं ये वापस छोड़ देते हैं, तेल गर्म हो गया, ये लीजिए क्या बात है, मज़ेदार। वाह भाई वाह क्या बात है, ये लीजिए बढ़िया ब्राउन हो गए। अब निकाल लेते हैं इनको, वड़े जो है ये देखिए सुंदर से वड़े, बिल्कुल क्रिस्प मज़ेदार। और इनको खाइए मज़े से, चटनी पीनट चटनी ही हो या कोई तीखी चटनी हो जैसे कि शेजवान चटनी, तब आपको खाने में मज़ा आएगा। परिपू वड़े विद पीनट चटनी बनाने के लिए चने की दाल को दरदरा पीस लें हरी मिर्च और सौंफ के साथ। इसे एक बोल में डालें, फिर उसमें ओट्स और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। हरा धनिया और प्याज डालकर अच्छी तरह मिलाएं। एक कढ़ाई में आवश्यकतानुसार तेल गरम करें। पीनट चटनी बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में तेल गरम करें, उसमें बची हरी मिर्च, कड़ी पत्ते और लाल मिर्च डालकर एक मिनट तक भून लें। फिर प्याज डालकर रंग बदलने तक भून लें। अब टमाटर और नमक डालकर नरम होने तक पका लें। मूंगफली और इमली का पल्प डालकर एक मिनट तक भूनें। समान तापमान तक ठंडा करें और बारीक पीस कर एक बोल में डालें। तड़के के लिए एक छोटे नॉनस्टिक पैन में तेल गरम करें, उसमें राई और कड़ी पत्ते डालें। जब राई फूटने लगे तब बोल में डालें। चना दाल के मिश्रण के समान हिस्से करें, उन्हें हल्के से चपटा करके गरम तेल में डालें और तले जब तक वे हल्के भूरे हो जाएं। तेल में से निकाल कर एक प्लेट पर रखें। वड़े को एक बार फिर गरम तेल में डालकर तले जब तक वे करारे और भूरे हो जाएं। तेल में से निकाल कर एब्जॉर्बेंट पेपर पर रखें ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। वड़े को सर्विंग प्लेट पर रखें, पीनट चटनी का बोल भी रखें और तुरंत परोसें। ट्रेडिशनल पालक मिसल पाव बनाएंगे, कहीं मत जाइएगा।